हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय ड्रीम चैनल। चाइना मोबाइल फुल शॉट फाइंडिंग कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चेक करेंगे मोबाइल शॉट है कि नहीं, दोनों तरफ से मोबाइल को पूरी तरह से शॉट दिखाई दे रहा है। तो चलिए मोबाइल को खोलते हैं और देखते हैं कहां पर शॉट है। इस वीडियो के बाद और एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम दिखाएंगे मोबाइल शॉट नहीं है लेकिन मोबाइल डेट है, मोबाइल को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम दिखाएंगे। सो फ्रेंड, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। मोबाइल को पूरी तरह से खोल दिया, जहाँ पर आईसी होता है उसके ऊपर में एक मेटल का कवर है उसको भी निकल दिया। अभी शॉर्ट फाइंडिंग करने के लिए एक 4 वोल्ट बैटरी का हेल्प लेंगे। जो बैटरी है उसका जो ग्राउंड पिन मतलब नेगेटिव पिन, उसको हम मोबाइल का नेगेटिव पिन में सोल्डरिंग करके देंगे और जो पॉजिटिव पिन है उसको हम बैटरी का पॉजिटिव पिन में लगाएंगे। लेकिन एक बार भी हम सोल्डरिंग नहीं करेंगे, इसमें जो पार्ट्स खराब है और फट सकता है, पीसीबी का डैमेज हो सकता है, इसलिए फ्यू सेकंड के लिए हम लगाएंगे और चेक करेंगे कौन सा पार्ट्स हीट होता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन खराब है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सीपीयू हीट हो रहा है और जो पीआईसी नेटवर्क है वो भी हीट हो रहा है, इसलिए एक एक करके हम चेक करेंगे कौन ज़्यादा हीट होता है। नेटवर्क आईसी है और ज़्यादा हीट हो रहा है। नेटवर्क आईसी का बगल में सीपीयू होने से वो भी हीट हो रहा था, लेकिन जो नेटवर्क आईसी है वही खराब लगता है, वही खराब है। तो उसको हम निकलेंगे और देखेंगे पीसीबी का जो शॉर्ट है वो शॉर्टता है कि नहीं। नेटवर्क आईसी को मैंने निकल दिया, अभी चेक करेंगे शॉर्ट है कि नहीं। देखिए एक तरफ से 435 दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ से कोई रीडिंग नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो शॉर्ट था वो छोड़ दिया है। अभी जो नेटवर्क आईसी है उसको फिर से नया लगाना है। अभी चेक करेंगे फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। देखिए फ़ोन ऑन हो गया, शॉर्ट के वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन नेटवर्क नहीं आएगा क्योंकि जो नेटवर्क आईसी है वो ऑलरेडी रिमूव कर दिया। अभी एक नया आईसी हम वहाँ पर लगाएंगे, ये एक नया आईसी है, पहले उसको जो साइड में पिन होता है उसको सोल्डरिंग करेंगे। जो लिक्विड हम यूज़ किया है वो मैक्स गोल्ड का है, थोड़ा सा मैक्स गोल्ड लगा के इसका हम लिक्विड पेस्ट कहते हैं। चारों तरफ से आईसी का जो पिन होता है उसको थोड़ा सा सोल्डरिंग करेंगे। इसमें इजीली बोर्ड में जो पिन होता है वो इजीली फिक्स्ड हो जाता है। जहाँ पर आईसी था उसमें भी थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट मैंने डाल दिया। अभी नेटवर्क आईसी को हम वहाँ पर सही तरह से बैठाएंगे। नया आईसी को हमने ऊपर लगा दिया,
अभी चेक करेंगे नेटवर्क आता है कि नहीं। देखिए नेटवर्क आ गया, हम एयरसेल का नेटवर्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सही तरह से जो पीआई से लगा दिया और सही तरह से लग गया है, कॉल भी लग गया। सो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।